ओप्पो F21 Pro ये फ़ोन का मॉडल है जिसका पोस्टर भी लीक हो चुका है। काफ़ी तगड़ा फ़ोन दिखता है, डिज़ाइन वगैरह देखें। अगर आपने नया फ़ोन लेना है 40-50 हज़ार की प्राइस तक, तो एफ़ सीरीज़ में 3 फ़ोन ओप्पो बहुत ही जल्द लॉन्च कर सकता है जिसके पोस्टर भी बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। बहुत सारे लोग हैं जो ओप्पो के फ़ोन पाकिस्तान में बाय करते हैं। स्पेशली इनके फ़ोन डिज़ाइन के लिहाज से देखें काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये इतने पोस्टर छपवाते हैं कि जिसकी वजह से प्राइस ज़्यादा देखने को मिलती है और स्पेसिफिकेशन स्पेशल चिपसेट में कॉम्प्रोमाइज मिल जाता है। तो अगर आपको ओप्पो के फोन नॉर्मल यूज के लिए पसंद हैं, जो कि ठीक भी होते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल के मंथ में ओप्पो एफ सीरीज में से कोई भी फोन लॉन्च कर सकता है पाकिस्तान में भी। F21 Pro वाला जो फोन है वो एशिया की किसी कंट्री में जा रहा है, और ये वाला फोन इंडोनेशिया के अंदर ओप्पो Reno 7 के नाम से जा सकता है। और इससे पहले जो A96 वाला फोन है वो उधर जा चुका है, रेनो सीरीज में 5G वाला मॉडल बन के ओप्पो Reno 7Z के नाम से। तो पाकिस्तान में ये F21 Pro वाला फोन आएगा, और इसके साथ F21 वाला फोन भी आ सकता है। तो इसकी प्राइस क्या होगी सभी आपको बताता हूँ। F21 Pro वाले फोन की बात करें तो इसमें OLED डिस्प्ले मिलेगा, और ये स्पेसिफिकेशन अभी 100% कंफर्म तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा चांस है कि ये फोन इन स्पेक्स के साथ आ सकता है। फोन काफी स्लिम है, 7.5 mm थिकनेस पे है, 173 ग्राम वेट है इसका। OLED वाला इसमें डिस्प्ले है जो 1080p रेजोल्यूशन वाला है, 6.43 इंच का, और 600 nits तक ब्राइटनेस कर सकते हैं। तो इसमें ColorOS 12 मिलेगा जो कि Android 11 बेस्ड है, लेकिन काफी ज्यादा और फीचर आपको इसमें मिल सकते हैं। और जो 5G वाला फोन आएगा उसमें Snapdragon का 695 वाला चिपसेट है, और 4G वाले में MediaTek का कोई भी चिपसेट ये दे सकते हैं जी सीरीज में से, और 8GB रैम 128GB वाला जो वेरियंट होगा 21 Pro के अंदर, जिसमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज है, LPDDR4X वाली रैम है। 3 कैमरे हैं इसकी बैक पे, जिसमें मेन कैमरा 64 MP का है, और बाकी के 2 कैमरे 2-2 MP के हैं। 16 MP का इसमें सेल्फी कैमरा है, और 1080p 30 FPS में ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट स्कैनर और साइड बटन में ही है, और जेरोस्कोप हार्डवेयरली मिलेगा इसमें। 4500 mAh बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर है। ओवरऑल फोन देखें काफी अच्छा दिखता है, लेकिन अगर इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ कम प्राइस में आता है तो तगड़ा हो सकता है। प्राइस पाकिस्तानी एक्सपेक्ट करें 50 हज़ार के ऊपर ही रहने वाली है, और F21 वाला फोन 40 हज़ार के अराउंड आ सकता है, जिसमें भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले और MediaTek का कोई चिपसेट मिल सकता है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ बेस वेरियंट ये लॉन्च कर सकते हैं। और रिनो 7 वाला फोन अगर देखें तो वो भी A96 वाला जो फोन है उसको रीब्रांड करके जो पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं अप्रैल के मंथ में। मुझे तो डिजाइन वाइज ये फोन काफी अच्छा लगा है, जो कि होते भी इनके फोन ऑलमोस्ट देखने को तो काफी अच्छे ही हैं, लेकिन प्राइस इनकी थोड़ी ज्यादा ही होती है। तो अगर आपको पसंद है सिर्फ ओप्पो के फोन, तब वेट इनका बनता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करने। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाफिज।